तमाम अटकलों के बीच में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। पार्टी ने इस बार पार्टी की महिला नेत्री महुआ मांझी को प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में इन बातों पर अब विराम लग गया है कि प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत कांग्रेस ने एक सीट के लिए जेएमएम पर दबाव डाला था। साफ है कि इस बार भी जेएमएम ने कांग्रेस पार्टी की मांग को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है। शनिवार को जेएमएम विधायक दल की बैठक के बाद जेएमएम प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने इस बात की पुष्टि की थी कि पार्टी हर हाल में अपना उम्मीदवार उतारेगी। इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देर शाम कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में देर रात तक उन्होंने कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। उसके बाद यह चर्चा जोरों पर थी कि जेएमएम ने राज्यसभा की एक सीट कांग्रेस को देने का फैसला किया। हालांकि अब जेएमएम के प्रत्याशी दिए जाने के बाद तमाम अटकलों पर विराम लग गया है। आदरणीय गुरुजी ने राज्यसभा प्रत्याशी के लिए राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार के तौर पर प्रत्याशी देगी और उस प्रत्याशी का नाम हमारे पार्टी के महिला नेत्री महुआ मांझी जी है। महुआ मांझी है। अब इस दिशा में आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपके माध्यम से हमें भी ये बात पता चली है कि जेएमएम ने जेएमएम के प्रत्याशी की घोषणा की है। हमारे दल के सभी वरीय नेता से अभी इस पर चर्चा नहीं हुई है और जब इस पर चर्चा हो जाएगी तो आधिकारिक रूप से कांग्रेस का बयान भी आपके सामने आ जाएगा।